हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने डिमांड किए कि एक बेसिक लेक्चर, रीमान इंटीग्रेशन का एक बेसिक लेक्चर आप कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग क्लास में लेट आए थे तो उन लोगों को पता नहीं है कि रीमान इंटीग्रेशन को कैसे डील करना होता है। चलिए एक बेसिक लेक्चर हम रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर लेते हैं। वी डील विद द रीमान इंटीग्रेशन। और इस पर थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो एरिया होता है, एरिया ऑफ द कर्व ऑफ द फंक्शन अंडर द गिवन लिमिट। ठीक है, अंडर द गिवन, ये जो एरिया आपका, अगर ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है, अगर इस एरिया की मैं बात करता हूँ तो ये जो एरिया आपका है ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ओवर द लिमिट ए टू बी। इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो रिमान की सेंस से बात करेंगे कि रिमान की सेंस में इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, उसको कैसे निकालते हैं। अगर आप सिंपल ज्योमेट्रीज की बात करते हैं, जैसे कि आप बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होता है, साइड स्क्वायर, इफ ए इज द साइड, ठीक है, इफ ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। और अगर आप बात करें रेक्टेंगल की तो उसका एरिया क्या होता है ना, एल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ट्रेपीजियम ज्योमेट्री आपके पास है तो ट्रेपीजियम ज्योमेट्री का भी आप बता सकते हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम ज्योमेट्री का भी आप बता सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन इनटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपको इस जितनी भी ज्योमेट्रीज आपके पास है सबके एरिया आपके पास है, लेकिन अगर कोई इस तरह की ज्योमेट्री आपके पास हो, यानी कि आप आर्बिट्ररी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी ज्योमेट्री कैसी भी हो सकती है ना, ये ऐसी भी हो सकती है, तो इसका एरिया क्या होगा ओवर द लिमिट ए कॉमा बी। जब रीमान सेंस में बात करेंगे इंटीग्रेबिलिटी की तो पहली कंडीशन उसमें ये होती है कि आपका जो फंक्शन होना चाहिए ना वो बाउंडेड होना चाहिए ओवर द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फंक्शन आपका बाउंडेड होना चाहिए, ये इसकी इसेंशियल कंडीशन है। इस कंडीशन के बाद ही आप इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है, और ठीक। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है आपकी बाउंडेडनेस, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, बेसिकली आप क्या करते हैं इसमें कि जो पार्टीशन होता है, जो आपका इंटरवल होता है एक मोड, उसको आप छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको आप सब इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, दो सब इंटरवल, तीन सब इंटरवल, चार सब इंटरवल, पांच सब इंटरवल, है ना। जैसे कि आपने इसका एक सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया, इसको एक पॉइंट आपने बीच में एक्स वन एक पॉइंट डाल दिया शुरू में, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पॉइंट एक्स वन डाल दिया, तो ये ए को आपने एक्स नॉट पॉइंट ले लिया, इसको एक्स वन ले लिया और बी को आपने ले लिया एक्स टू पॉइंट, ठीक। तो एरिया क्या हो गया आपका, ये वाला एरिया ए से एक्स वन का और एक्स वन से बी का फंक्शन एफ एक्स का एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया निकल आएगा टोटल। अब सवाल उठता है कि साहब इसका ना हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कर्व शेप में है ना, ना ये ट्रेपीजियम है, ना ये स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये कोई वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है, तो कैसे इसका एरिया निकालेंगे। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेशन हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे लेकिन अप्रोक्सीमेटली बता देंगे। एक काम करें कि इस इंटरवल में जो सबसे छोटी लेंथ है फंक्शन की वो तो किस पॉइंट पे, एक्स वन पॉइंट पे है, ठीक है, तो आप इसको मान के चल लीजिए हाइट, है ना, इसको मान के चल लीजिए आप लेंथ, और जो एक्स वन माइनस एक्स नॉट है इसको आप मान के चल लीजिए ब्रेथ, एक्स माइनस एक्स, ये आपकी ब्रेथ होगी और ये होगी आपकी लेंथ,
तो आप क्या करेंगे, एक एरिया निकाल लेंगे और उससे आपका ये वाला एरिया निकल आएंगे। लेकिन ख्याल रखिए आप क्या दिमाग में लेके चले कि एक्स नॉट से एक्स वन में आप जो लेंथ लिया है ना, आपने सबसे छोटी लेंथ ली है ना फंक्शन की। इसी तरह से आप जब एक्स वन से एक्स टू में जाएंगे, एक्स वन से एक्स टू में सबसे छोटी लेंथ लेंगे आप, तो वैसे तो सबसे छोटी लेंथ इस पॉइंट पे मिल रही है आपको, ठीक है। वैसे तो सबसे छोटी लेंथ आपको कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो आप ये वाला एरिया निकाल पाएंगे आप, ठीक। तो इस प्रोसेस से होगा क्या, फिर आप x1 से इसको x2 पॉइंट मान लो, चलो इसको x3 मान लो, मान लो कि इसमें दो पॉइंट आपने डाल रहे हैं, है ना। इस बार इसमें सबसे छोटी लेंथ ये, इसको लेके चल लीजिए आप, तो ये भी आपका कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से जो आपने एरिया कैलकुलेट किया, आपने क्या एरिया कैलकुलेट किया, आपने एरिया कैलकुलेट किया फंक्शन की वैल्यू f एट द पॉइंट x1, ठीक है। ये तो होगी हाइट, किसमें x0 से x1 में, और ब्रेथ होगी x1 माइनस x0, ठीक है। देन प्लस इसमें आप एफ एफ एक्स टू, इसकी स्मॉलेस्ट हाइट होगी, और ब्रेथ होगी x2 माइनस x1, है ना। तो इसी तरीके से f x2 ले लिया आपने x2 से x3 में, और x3 माइनस x2, तो ये जो एरिया आपका आया है, ये शेडेड एरिया आपका निकल गया। तो ये एक्चुअल तो नहीं आया, एक्चुअल से कम आया है, है ना, एक्चुअल से कम आया है। यानी कि आप अगर छोटी लेंथ लेके चलते हैं ओवर द सब इंटरवल, तो आपका जो एरिया आता है वो एक्चुअल से कम आता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ओवर द सब इंटरवल अगर आप इन्फिमम कंसिडर करके चलते हैं, फंक्शन का इन्फिमम कंसिडर करके चलते हैं, है ना, तो आपका ये जो सम आता है ये एक्चुअल से कम आएगा। और अगर इन्फिमम कंसिडर करके आप चल रहे हैं, तो इस सम को आप लोअर सम कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर सम, एल पी एफ, एल पी लोअर सम को ऐसे नोट करते हैं। एल मतलब लोअर सम ऑफ द फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी, है ना, ऑफ द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। पार्टीशन आपने क्या लिया, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक। तो इसको आप लोअर सम बोलते हैं जो आप ले रहे हैं इसको। यानी कि लोअर सम होता क्या, बेसिकली ये होता है समेशन आई रन्स फ्रॉम वन टू एन स्मॉल एम आई। एम आई क्या है, इन्फिमम इन द आईएथ सब इंटरवल, है ना, इन द आईएथ सब इंटरवल। डेल एक्स आई क्या है, लेंथ ऑफ द आईएथ सब इंटरवल। अगर मैं बात करूँ पार्टीशन ए को बी के पार्टीशन की, तो मैं कोई भी एक जनरल पार्टीशन ले लेता हूँ उसको, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू डॉट डॉट एक्स एन, ये इसका एक जनरल पार्टीशन है विद एन प्लस वन पॉइंट। कितने सब इंटरवल है, एन सब इंटरवल है, एक्स नॉट से एक्स वन एक्स वन से एक्स टू, इसमें एन सब इंटरवल है और एन प्लस वन पॉइंट है इस पार्टीशन के अंदर, ठीक। रिमान ने इसी तरीके से काम शुरू किया था, इसी तरीके से समझाया, उसने कहा कि अगर आप कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालते हैं इस लोअर सम के अंदर, जो आपने ये लोअर सम लिया है, अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आप डाल देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया जाए, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इस पर फर्क कहाँ पड़ेगा, कि ये वाला तो ऐसे ही रहेगा एफ ऑफ एक्स वन, है ना, एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है, और एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन ये जिस इंटरवल के अंदर गया उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, और जब उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा तो फिर क्या होगा आपका, कि एक्स टू से जाए, एक्स टू से जाए जो इंटरव्यू है वो आपका क्या है, वो एक्स टू ही है, ठीक है। तो आपने ये वाला तो कैलकुलेटेड है। फिर जाई से एक्स थ्री, जाई से एक्स थ्री में जो इन्फिमम वैल्यू है आपकी वो जाई पे हो गई, यानी कि इस बार इस हाइट को भी ये ऐड कर देगा, ठीक। क्या करेगा आपके पास, ठीक, अभी ये करेगा आपके पास प्लस एफ एट द पॉइंट एक्स टू, क्योंकि इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, इस वाली स्ट्रिप की बात, तो इसका एरिया क्या होगा, जाई माइनस एक्स टू, एंड देन प्लस अब आप इस स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा आपके पास, एफ ऑफ जाई, क्योंकि जाई पे इसकी इन्फिमम वैल्यू है, यहां पे बाकी सुप्रीम वैल्यू फंक्शन की जाई पे इन्फिमम है ना,
और ये हो गया आपके पास क्या एक्स थ्री माइनस। तो अगर आप गौर से देखें जो आपका लोअर सम है यानी कि आपका जो इन्फियम जो लोअर सम है वो पहले के मुकाबले बड़ा है या घटा, ऐसी बात है इस बार ये वाला ये भी आ गया तो पहले से बड़ा है। इससे एक चीज तो पता चलती है कि आपका जो लोअर सम है अगर आप पॉइंट ऐड करते चले जाएंगे पार्टीशंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो लोअर सम आपका बढ़ना शुरू होगा। क्या होगा? लोअर सम आपका बढ़ना शुरू होगा। और भैया ये दो चार पॉइंट तो ये समझने के लिए है, हमें एरिया जो है ना अच्छा अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है तो इस पार्टीशन को बढ़ाते जाना है। जितने पार्टीशन को आप बढ़ाते जाएंगे ना आपका ये लोअर सम यानी कि जो लोअर इंटीग्रल वैल्यू ये बढ़ती चली जाएगी एग्जैक्ट किस साइड में, कैसे बढ़ेगी एग्जैक्ट किस साइड में। मान लीजिए एक पॉइंट आपने यहाँ डाल दिया तो ये क्या करेगा इनफियम वैल्यू इसकी ये होगी तो ये एरिया भी कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट आपने यहाँ डाल दिया तो इस बार ये क्या करेगा ये भी एड कर देगा। ठीक है, ये नया हो गया तो और बड़ा। आपने एक पॉइंट यहाँ पर डाल दिया तो ठीक है ये भी एड कर लेगा और बड़ा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि एक पॉइंट और एड करना आप यहाँ पे एड करना चाह रहे कर लो तो ये बड़ा और भी बड़ा। तो देखो जितना पॉइंट आप बढ़ाते चले जाएंगे आपका जो अप्रोक्सीमेट एरिया है जो लोअर सम मान के आपको दे रहा है जो फंक्शन की इन्फियम वैल्यू लेके दे रहा है वो एग्जैक्ट की साइड में कन्वर्ज कर रहा है ना। वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है एग्जैक्ट साइड में। अगर आपने कर दिया यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे डाल दिया तो इसने ये भी कैलकुलेट कर दिया, इसे ये भी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई। एक पॉइंट और यहाँ पे डाल दो इस बार ये क्या करेगा ये भी ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई इसका ले लेगा है ना, और एक पॉइंट डाल। तो इस तरीके से आपका जो लोअर सम जो देगा अगर आप पार्टीशन बढ़ाएंगे तो लोअर सम बढ़ता जाएगा यानी कि लोअर सम जो है ना आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है कोरिस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन। अगर पार्टीशन आप बढ़ा रहे हैं तो लोअर सम आपका बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आप इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं आप लोअर सम को ये पार्टीशन आप फाइनल लेके चल रहे आप एन तक ले लें इसको जनरल फाइव पार्टीशन ले लिया आपने एन ले लिया भाई हमने क्या कर लिया क्लोज इंटरवल लेको में वीक का पार्टीशन एन तक ले लिया और फिर एन ले लिया क्या इसको इनफाइनाइट तक भी ले जा सकते हैं आप एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब आपने एन पार्टीशन की बात कर रहे हैं एन मतलब 100, 200, 400, 500, 50 जितना भी क्यूबिक होना है। अब बीच में एक इंटरवल और पड़ेगा इसमें वो पड़ेगा आयत सब इंटरवल। क्या पड़ेगा भाई आयत सब इंटरवल। आयत सब इंटरवल क्या मतलब हो गया कि पहला इंटरवल क्या हो गया आपका I1 पहला इंटरवल हो गया x0 से x1। दूसरा इंटरवल क्या हो गया I2 हो गया आपका x1 से x2। तो ऐसे ही जब आयत सब इंटरवल की बात करेंगे आप आयत सब इंटरवल हो जाएगा आपका xi-1 से xi। और nth सब इंटरवल की बात करेंगे आप तो in हो जाएगा xn-1 यानी कि लास्ट वाला सब इंटरवल ही हो जाएगा। तो आपका आई सब इंटरवल क्या हो गया आई सब इंटरवल आपका हो जाएगा xi-1, xi। अच्छा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी डेल एक्स आई। क्या हो जाएगी डेल एक्स आई। लेंथ को लेंथ ऑफ द आई सब इंटरवल किससे डिनोट करेंगे डेल एक्स आई से डिनोट करेंगे। और लेंथ कैसे निकालते हैं आप अपर एंड माइनस लोअर एंड ऑफ द इंटरवल यानी कि xi-xi-1 क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ द आईथ सब इंटरवल आई सब इंटरवल आपका हो गया ये। ठीक, तो समेशन यानी कि अगर आपके पास n पार्टीशन है n पार्टीशन के ऊपर आपको लोअर सम्स निकालना है किसी भी फंक्शन एफ एक्स का तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास ये हो गया समेशन i रन्स फ्रॉम 1 टू n स्मॉल m i डेल एक्स आई। इसका मतलब क्या हो गया स्मॉल m1 i की वैल्यू रखना शुरू करें स्मॉल m1 डेल एक्स1 है ना यानी कि पहले सब इंटरवल की लेंथ पहले सब इंटरवल की लेंथ तो है x1-x0 और उस सब इंटरवल में जो फंक्शन की इनफियम वैल्यू है वो है ना प्लस एम स्मॉल एम टू स्मॉल एम टू इज द इनफियम वैल्यू इन द जो आपका दूसरा सब इंटरवल है इंटू डेल एक्स आई है ना और ऐसी ही प्लस एम थ्री इनफियम वैल्यू इन द थर्ड सब इंटरवल है ना डेल एक्स थ्री और ये चलेगा आपका आईएथ के लिए इसमें यानी कि स्मॉल एम आई डेल एक्स आई आ जाएगा बीच में और लास्ट में चलता चला जाएगा ये एम एन यानी कि एन एथ सब इंटरवल में क्या आ जाएगा आपके पास डेल एक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आ रहा होगा ये सम आपको होता है आपका लोअर सम है ना लोअर रिमान सम बोलते हैं इसको। ठीक,
तो जैसे आपने लोअर रिमान सम पे काम किया तो ऐसे ही आप अपर रिमान सम पे काम कर सकते हैं, है ना। अपर रिमान सम में क्या करेंगे कि जो इंटरवल है आपका, जो सब इंटरवल है, उसमें आपको इस बार एंट्री वैल्यू नहीं लेके चलनी है, इस बार सुप्रीम वैल्यू लेके आपको पार्टीशन करना है, सुप्रीम वैल्यू लेके काम करना है। यानी कि अगर मैं इसमें फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू कैपिटल एम ये ले लूं, लेंथ ये ले लूं, और ब्रेथ तो मेरी सेम ही x1 - x0, तो मैं ये अगर ले लेता हूँ तो ये इतना कैलकुलेट करेगा, यानी कि इसने एक्चुअल से ज़्यादा कैलकुलेट किया। अगर मैं यहाँ पे इस वाले इंटरवल की बात करता हूँ, इस वाले सेम इंटरवल की बात करता हूँ, तो इसमें फंक्शन की जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ पे है और ये सुप्रीम वैल्यू होगी यानी कि फंक्शन की, और जब मैं इसको लेके स्ट्रिप बनाऊंगा तो इसने भी एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट कर दिया। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ तो इस इंटरवल में ये फंक्शन की लेंथ है तो इसको लेके मैं एरिया बनाऊंगा तो ये भी एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट कर दिया इसने, और इसी तरीके से यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट कर दिया, इस तरीके से इसने यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसा भी ये है कि अगर आप सुप्रीम वैल्यू लेके चलते हैं फंक्शन की, यानी कि पार्टीशन आपके पास भी है और पहले सब इंटरवल में सुप्रीम आप लेते हैं फंक्शन का और फिर उस सब इंटरवल की लेंथ लेते हैं, फिर दूसरे सब इंटरवल में आप फंक्शन का सुप्रीम वैल्यू लेते हैं फिर उसकी लेंथ लेते हैं, ऐसे ही आप जाते हैं कहाँ तक, mn तक, है ना। इस बार आप सुप्रीम लेके काम कर रहे हैं तो ये समेशन जो है ना आपका, इसको आप कैसे लिखेंगे, समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई, है ना। इसका मतलब ये हो गया ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका अपर सम कहलाता है, यूपीएफ, है ना। अपर सम का क्या मतलब हो गया, अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ कोरेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी ऑफ द क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। तो इससे एक बात तो क्लियर है आपकी, ये जो अपर सम है आपका, ठीक, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अपर सम आपका क्या होगा, जैसे आप पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, अपर सम घटेगा। अपर सम जो है ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ऑफ द एग्जैक्ट इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ डी एक्स की, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन ये एग्जैक्ट से ज्यादा है, अपर सम वाली ज्यादा होगी लोअर सम वाली कम होगी, लेकिन जैसे आप पार्टीशन को बढ़ाते जाएंगे तो लोअर सम बढ़ेगा और अपर सम घटेगा, लोअर सम बढ़ेगा और अपर सम घटेगा आपका, ठीक। अपर सम घटता घटता एग्जैक्ट की तरफ आएगा, लोअर सम बढ़ता बढ़ता एग्जैक्ट की तरफ जाएगा। और अगर आपको देखना है कि अपर सम कैसे घटेगा तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है मेरा और मैंने एक पॉइंट लिया इस बीच में, तो मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं अपर सुप्रीम वैल्यू लेके चलता हूँ ऐसे एक्स वन में, जैसे बात है फंक्शन ये सुप्रीम वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मैंने क्या ले लिया, इसको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लिया सुप्रीम वैल्यू लेके, तो मैंने जो एरिया कैलकुलेट किया ना उसमें ये भी कैलकुलेट हो गया, इतना तो आ ही गया, ये तो कैलकुलेट हो ही गया कि ये स्ट्रिप का एरिया में ये फंक्शन का इतना तो हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो गया। और मैं अगर एक्स वन से बी में लेके चलूँ तो मेरी ये सुप्रीम वैल्यू है, तो फिर ये वाला एग्जैक्ट ये वाला भी एरिया कैलकुलेट कर दिया इसने, तो इसने एग्जैक्ट से ज़्यादा एरिया कैलकुलेट कर दिया। अब अगर ये तो मेरे पास सिर्फ इंटरवल के मैंने दो ही पार्टीशन की, एक पॉइंट डाल के दो सब इंटरवल में डिवाइड किया ऐसे ऐसे एक्स वन में और एक्स वन से बी में, अगर मैं इसमें एक और पॉइंट डाल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट डाल दिया मैंने, तो फिर क्या होगा, भाई साहब ये होगा कि जो एक्स वन से ये पॉइंट मान लिया एक्स टू, एक्स वन से एक्स टू में जो आपकी सुप्रीम वैल्यू है वो ये है, ठीक है, तो ठीक ये हो गया, और एक्स टू से बी में की सुप्रीम वैल्यू क्या आपकी वो ये है, ठीक ये हो गया। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला काउंट नहीं होगा इस नए पार्टीशन के साथ, तो नया पार्टीशन आपने किया उसमें ये वाला नहीं काउंट होगा, लेकिन रहेगा एग्जैक्ट से ज्यादा ही, पर घट गया है पहले से, है ना। यहाँ पे डाल के देख लो, कोई पॉइंट आपने यहाँ पे ऐड किया, इस पे आपने फंक्शन कर लिया, तो ये हो गया एक तो ये, और फिर इसने ये वाला ले लिया, तो ये वाला असल में ये तो पहले से कम हुआ, यानी कि जितने पॉइंट इसमें अपर सम आप ऐड करते चले जाएंगे पार्टीशन के अंदर, यानी पार्टीशन जितना बड़ा करते चले जाएंगे अपर सम घटना शुरू होगा और लोअर सम बढ़ना शुरू होगा, और अपर सम घटता घटता एग्जैक्ट की तरफ हो जाएगा, एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू की साइड में जाएगा, और लोअर सम बढ़ता बढ़ता एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू की साइड जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अपर सम का मैक्सिमम वैल्यू ओवर द पार्टीशन, तो पार्टीशन को आप पार्टीशन एन पार्टीशन लेके चल रहे हैं, आप एन पार्टीशन पे काम कर रहे थे, एन पार्टीशन के लिए आपने फॉर्मूला लिखा, अगर मैं यहाँ पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूँ, यानी कि पार्टीशन को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूँ, बहुत बड़ा पार्टीशन ले लूँ, यानी कि मैं क्या कह दूँ कि लिमिट
एन टेंस टू इंफिनिटी यूपीएफ है ना, यूपीएफ। तो ये क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि लोअर इंटीग्रल जो है ना वो उसकी जो सबसे इन्फीम वैल्यू होगी, ये बहुत बड़ा पार्टीशन नहीं, आपने पार्टीशन पहले 100 लिया तो नया पर्सन मिला, आपने पार्टीशन 102 ले लिया, 2.2 बढ़ा दिए, तो वो नया पार्टीशन जो अब जो पर्सन मिलेगा वो पहले वाले पर्सन से कम होगा, लेकिन ये नया पर्सन है। फिर आपने 0.2 बढ़ाए, ये जो नया पार्टीशन पे अपर्सन निकाला वो पहले वाले से और कम है ना। तो ऐसे आपके अपर्सन जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर्सन आपके बनते चले जाएंगे, क्योंकि आप पार्टीशन इनफाइनाइट कर सकते हैं, उसके पार्टीशन आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो इन सब पार्टीशन में जो इन्फीमम पार्टी जो आपका इन्फीमम अपर्सन होगा ओवर द पार्टीशन है ना, इन्फीमम अपर्सन होगा, ठीक, हमें तो उसके लिए काम करना। तो इन्फीमम अपर सम को कहेंगे आप अपर इंटीग्रल, क्या कहेंगे? अपर इंटीग्रल, क्योंकि जब आप बहुत छोटा अपर सम लेंगे है ना, अपर सम को बहुत छोटा करते चले जाएंगे, यानी कि उसकी इन्फीमम वैल्यू ले लेंगे, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इन्फीमम ऑफ द अपर सम, इसे इन्फीमम ऑफ यूपीएफ लिखते हैं, क्योंकि टेंडिंग टू इन्फिनिटी में अपर सम आपको अपनी इन्फीमम वैल्यू देगा है ना। और तो इन्फीमम ऑफ अपर सम क्या कहलाता है आपका? अपर इंटीग्रल, इसको आप अपर इंटीग्रल कहते हैं है ना, अपर इंटीग्रल, क्लियर। और अगर मैं बात करूं लोअर इंटीग्रल की, तो इसी तरीके से जब आप लोअर इंटीग्रेशन को बढ़ाएंगे और उसका सुप्रीमम ले लें, सुप्रीमम ओवर द पार्टीशन पी ऑफ एलपीएफ, तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ता बढ़ता इसकी सुप्रीमम वैल्यू किसकी साइड जाएगी? इंटीग्रल की साइड में कन्वर्ज करेगी, तो इसको लोअर इंटीग्रल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लोअर इंटीग्रल, ठीक है। और इफ लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल बोथ आर इक्वल, अगर ये दोनों इंटीग्रल आपके इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कहलाता है रिमान इंटीग्रेबल, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते तो फंक्शन आपका रिमान इंटीग्रेबल नहीं होता, और यही आपके डार्कबॉक्स की कंडीशन है। डार्कबॉक्स कंडीशन क्या कहती है इंटीग्रेबिलिटी के लिए? डार्कबॉक्स कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी, ये क्या कहती है कि अगर आपका अपर इंटीग्रल बराबर हो जाए लोअर इंटीग्रल के तो फंक्शन आपका रिमान इंटीग्रेबल कहलाता है, और जो वैल्यू आती है निकल के दोनों की वो क्या हो जाती है? आपकी इंटीग्रेबल वैल्यू, ठीक है। ये आपकी डार्कबॉक्स कंडीशन है फॉर द इंटीग्रल, ठीक है। चलिए अब इसमें हम एक क्वेश्चन करने से पहले इस पूरी थ्योरी को किसी एक एप्लीकेशन से समझेंगे, लेकिन उसके समझने से पहले मैं छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी उसका जिक्र कर देता हूँ है ना, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमें काफी हेल्प करेगा, ठीक। एक होता है नॉर्म ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन। पार्टीशन का रिफाइनमेंट से क्या मतलब है? पार्टीशन जो है आपका, अरे कोई पार्टीशन है इंटरवल एक क्लोज इंटरवल एक कमा बी का, तो उसके रिफाइनमेंट को पी स्टार से डिनोट करते हैं है ना। रिफाइनमेंट का मतलब है कि पी स्टार हैज एट लीस्ट वन पॉइंट मोर देन पी। भाई पी स्टार में अगर पी से एक भी पॉइंट ज्यादा हो गया, यानी कि पी वाले तो सारे पॉइंट है इसके अंदर पी स्टार के अंदर, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट भी है तो पी स्टार पी का रिफाइनमेंट कहलाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी बात होती है जैसे कि हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल हम घर में कभी लौकी को काटते हैं, तो पहले हमने लौकी में कट लगाया तो उसके दो पार्टीशन हो गए है ना, उसके बाद हमने क्या किया कि नहीं उसे और अच्छा करना है, फाइन करना है ना, तो हम क्या करते हैं और कट लगाते हैं। तो जितना हम कट लगाते जाएंगे उस लौकी में, यानी कि तो पार्टीशन तो आपका बढ़ रहा है, जितना आप लगा रहे तो पार्टीशन बढ़ रहा है, लेकिन पार्टीशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि वो रिफाइन हो रहे हैं, वो छोटे हो रहे हैं टुकड़े, आपके टुकड़े क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं, रिफाइन होते जा रहे हैं है ना। तो इसलिए अगर पी स्टार में पी से एक ही पॉइंट ज्यादा हो गया ना, तो पी स्टार पी का रिफाइनमेंट कहलाएगा, और मजा रिफाइनमेंट पे ही है,
कि पार्टीशन को आप जितना डिफाइन करेंगे, यानी कि पार्टीशन जितना बढ़ाएंगे, पार्टीशन कब बढ़ेगा जब एन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पार्टीशन वो आपका इंक्रीज होगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो तभी मजा है, क्योंकि जब जैसे वो बढ़ेगा पार्टीशन बढ़ेगा, अपर सम कन्वर्ज करते हुए एग्जेक्ट की तरफ को आएगा, लोअर सम इंक्रीज करते हुए एग्जेक्ट की साइड को जाएगा, अगर वो इंटीग्रेबल है तो, अगर इंटीग्रेबल है तो ये दोनों अलग अलग जाएंगे, है ना, लोअर इंटीग्रल का जो लोअर इंटीग्रल का सुप्रीम है और जो अपर इंटीग्रल का एल्फियम है वो कभी बराबर नहीं होगा इन द केस ऑफ नॉट इंटीग्रेबल, ठीक है। ये तो ये कहानी थी रिफाइनमेंट की। अच्छा, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, और मैं ये बता देता हूँ कि अगर पी स्टार है इसका रिफाइनमेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। बात करते हैं नॉर्म की, नॉर्म क्या होता है, नॉर्म भी होता है कि उस किताबों में से मैश भी लिखते हैं, है ना, तो नॉर्म और मैश ऑफ द पार्टीशन पी, इसको डिनोट करते हैं म्यू पी से, जितने भी सब इंटरवल आपने बनाए पार्टीशन करके, अब ये जरूर तो नहीं कि वो इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल पार्टीशन भी आपका हो सकता है, तो अनइक्वल पार्टीशन में सबसे बड़ा जो लेंथ का सब इंटरवल बना हुआ है उसका जो लेंथ है वो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक इंटरवल है 1 से 2 और मैंने इसके तीन टुकड़े किए 1 बाई टू और 3 बाई टू देन या 2 बाई 3 कर लिया एंड देन 3 बाई टू करना था, 3 बाई टू कर लिया ऐसे ही 3 बाई 4 कर लिया, है ना, और 3 बाई 4 भी करेंगे, फिर 4 बाई 3 करेंगे, 4 बाई 3 करेंगे, है ना, और क्या कर लें आपका 4 बाई 2 कर लें, तो ये आपका है, इसके आपने दो तीन पार्टीशन किए। अब इसमें जो सबसे बड़ी लेंथ का सब इंटरवल होगा, जैसे ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, एक ये सब इंटरवल है, इनमें जो सबसे बड़ी लेंथ का सब इंटरवल है वो नॉर्म का पार्टीशन बनेगा, है ना, और उस नॉर्म को आप एनालिसिस कैसे करेंगे नॉर्म के ऊपर, है ना, ये तो रिफाइनमेंट के ऊपर किया, या अगर आपको अपने पार्टीशन को रिफाइन करना है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्म को टेंडिंग टू 0 कर दो, नॉर्म को टेंड टू क्या कर दो 0, यानी कि जब नॉर्म छोटी होगी, नॉर्म छोटी कैसे होगी, यानी कोई एक सबसे बड़ा सब इंटरवल आपके पास था, मैं एक छोटी ज्योमेट्री यहाँ पर बना लेता हूँ, है ना, ये मेरे पास एक इंटरवल है और ये इसका पार्टीशन है, ठीक है, फिलहाल देखने में क्या लग रहा है कि ये मेरा पार्टीशन का नॉर्म है, सबसे बड़ा सब इंटरवल है, मैंने क्या करा कि एक पॉइंट इसी के अंदर डाल दिया, ये ब्रेक हो गया, अब ये जो नया पार्टीशन बना, पहले वाला पार्टीशन मेरा था, अगर मेरा 1, 2, 3, 4, 5 है ना, और मैंने ये एक नया कट मारा तो ये नया पार्टीशन बना, इसमें ये पॉइंट भी ऐड हो गया, तो ये रिफाइनमेंट बना पहले वाले का। अब उससे क्या होगा कि अगर मैं अभी भी दिमाग में लेके चल रहा है कि नॉर्म को छोटा करना है, तो इस बार नॉर्म पता चला कि ये बन गई आपकी, ये इससे बड़ी लेंथ दिख रही है ना ये वाली, तो ये नॉर्म बन गई, तो आपने इसमें पॉइंट डाल दिया, अब देखने में क्या लग रहा है कि ये नॉर्म बन गया, अब जो नया पार्टीशन बना उसकी नॉर्म क्या होगी, ये होगी, तो इसी तरीके से आपकी नॉर्म चेंज होती रहेगी, और जब आप नॉर्म को ही टेंडिंग टू 0 करते रहेंगे फॉर ऑल दी पार्टीशंस, तो वो ओवरऑल आपका जो पॉइंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए कहते हैं कि नॉर्म टेंडिंग टू 0 कह दूं मैं, या मैं कह दूं कि लिमिट एन टेंडिंग टू एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ आर द सेम थिंग। नॉर्म टेंड्स टू 0 का मतलब ही नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ रहे हैं पार्टीशन के अंदर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब भी नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ रहे हैं पार्टीशन के ऊपर, तो बात कहने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो गया है, इसे कहने से थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज करता है ना, क्योंकि देख के लोगों को डर लगता है, इसको देख के डर से लगता है कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, बात तो सेम ही है, अगर वही लिख दूं तो आप ही समझ जाते हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे कि कोई एक सवाल लेके चलते हैं कि कैसे आप इसको रिमाइंड टेबल प्रूफ करेंगे, है ना, कोई भी सवाल है, क्वेश्चन में ले रहा हूँ, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 2x ले लिया मैंने, 2x प्लस 1 ले लिया ओवर द इंटरवल 0,1 ही ले लिया, है ना, 0,1
तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसको न्यूमेरिकल प्रूव करना है कि इसका अपर सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल यानी कि डार्क बॉक्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ये न्यूमेरिकल प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि जो मेरे पास इंटरवल है उसका पार्टीशन कर लेना है। पार्टीशन क्या होगा मेरे पास, 0, 1/2, 2, 1/3 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं जाऊँ आई के पास तो आई माइनस 1/n कोमा आई बाई एन डॉट 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 1/n। और सवाल ये उठता है कि साहब ये पार्टीशन आपने कैसे किया, मैंने तो इक्वल पार्टीशन लेके चल रहा हूँ मैं, ये है ना इक्वल लेंथ का पार्टीशन यानी कि 1/n लेंथ का पार्टीशन में लेके चल रहा हूँ इक्वल लेंथ का। तो ऐसी बात है, अगर मैं मेरे पास ये लाइन है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे मेरे पास है 1/n, ठीक। तो मुझे इसकी लेंथ क्या होगी बी माइ, अगर मैं जनरल बात करूँ ए बी की तरफ से बात करूँ तो इसकी लेंथ होगी बी माइनस सी। मुझे इसे एन इक्वल पार्ट से डिवाइड करना है तो मुझे हर एक सब इंटरवल की लेंथ क्या करनी पड़ेगी, बी माइनस ए बाई एन करनी पड़ेगी, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए बाई एन करना पड़ेगा। फिर ए फिर ए प्लस बी, ये सारी इक्वल लेंथ की डिस्टेंस होगी, ठीक। तो अगर मैं जीरो को वन की बात करूँ तो मेरा बी माइनस वन हो गया वन, तो पहला मैं जाऊँगा जीरो जीरो देन प्लस, अच्छा मुझे कितना पार्टीशन करना है इसका एन, तो अच्छा यहाँ पे मुझे क्या करना है जीरो देन टू बाई एन, ठीक है देन थ्री बाई एन, क्योंकि मेरा क्या करना है कि वन बाई एन इक्वल लेंथ का पार्टीशन ले रहा हूँ मैं, है ना। तो 1/n लेंथ का पार्टीशन ले रहा हूँ तो ये यहाँ पे जब मैं पहुंचूंगा तो ये 0 प्लस 1/n कितना हो गया 1/n, ये 1/n रहेगा। फिर मैं आगे चलूंगा दूसरे पॉइंट पे, ये भी 1/n लेंथ का ही है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1/n प्लस 1/n कितना हो जाएगा 2/n। तो इसी तरीके से जब आगे चलते चले जाएंगे आई माइनस 1/n तो आई बाई एन और लास्ट में जाएंगे एन बाई एन यानी कि कट के आ जाएगा 1, लास्ट पॉइंट आपका 1 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए लास्ट पॉइंट 1 ही आना चाहिए क्योंकि एंड पॉइंट आपका क्या है 1 है। तो ऐसे आप करेंगे। और एक मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आप आई सब इंटू, अगर आपको निकालना हो तो ए प्लस आई माइनस 1 बाई एन इंटू बी माइनस ए, ठीक है कॉमा ए प्लस आई बाई एन इंटू बी माइनस ए, ये आपका जनरल आई सब इंटू का फॉर्मूला होता है। किसी भी पार्टीशन कुछ भी दिया हुआ कि ए और बी की वैल्यू चेंज करनी है आपको, आपका नया पार्टीशन निकला, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे अब आप, आपके पास सवाल होता है कि आई सब इंटू क्या, क्योंकि आपको इन्फियम वैल्यू चाहिए ओवर द आई सब इंटरवल और सुप्रियम वैल्यू चाहिए। तो आपका आई सब इंटरवल हो गया आई माइनस 1/n कोमा आई बाई एन, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन की इस पॉइंट पे इन्फियम वैल्यू मिलेगी आई सब इंटरवल में और इस पॉइंट पे क्या मिलेगी सुप्रियम वैल्यू मिलेगी आई सब इंटरवल में, है ना। तो निकालिए अपर सम निकालें अगर यूपीएफ तो होता है समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n और सुप्रियम वैल्यू आपको चाहिए किस पॉइंट पे आई बाई एन, फंक्शन आपका ये है तो 2 × i/n + 1 यही होगा 2 × i/n + 1। इसको सोल्व करते हैं तो ये 2/n तो कॉन्स्टेंट है समेशन आई आई रन फ्रॉम 1/n एंड, अच्छा यहाँ पे ये हो गया फंक्शन का क्या सुप्रीम लिया ना आपने, देन लेंथ ऑफ द फंक्शन भी लेनी पड़ेगी ना, आप इक्वल लेंथ का लेके चले तो डेल एक्स आई क्या हो जाएगा आपका 1/n क्योंकि सारे ही 1/n लेंथ के सब इंटरवल हैं आपके, तो आयत भी पहला भी दूसरा भी सारे ही सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी 1/n होगी। तो यहाँ पे 2/n स्क्वायर कर लें, अच्छा और प्लस समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n यहाँ पे कर लें क्या 1/n कर लें, ठीक है। तो ये तो i इंडिपेंडेंट है तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे देगा 1/n × n यानी कि इसने आपको दे दिया 1, ये समेशन जो वैल्यू देगा आपको। और ये क्या दे देगा आपको वैल्यू 2/n² और ये क्या है समेशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना समेशन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, उसका क्या होता है n n+1/2 होता है n n+1/2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है और प्लस 1 तो आपको ये क्या दे देगा यूपीएफ क्या मिल जाएगा आपको अपर सम मिल जाएगा आपको, ये n ऊपर से कोमा ले काट देंगे आप n स्क्वायर तो मिल जाएगा 1 + 1/n एंड देन लास्ट में प्लस मिल जाएगा 1 और
जब आप इसकी सुप्रीम वैल्यू लेंगे अपर सम की, तो अपर सम की सुप्रीम वैल्यू क्या लेंगे, जब पार्टीशन को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे, यानी कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूपीएफ का मतलब क्या है, इन्फिमम ऑफ यूपीएफ, इन्फिमम ऑफ यूपीएफ कितना हो जाएगा भैया आपका, इसमें लिमिट लगा दो ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ गया आपका टू, और ये है क्या बेसिकली आपका अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, ये आपका अपर इंटीग्रल आता है। तो इसी तरीके से आप लोअर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, लोअर इंटीग्रल क्या किसको लेके होगा, इन्फिमम वैल्यू के लेके होगा ओवर द आई सब इंटरवल। चलिए अब आप एलपीएफ कर लेते हैं, कहीं भाई यहाँ के कर लेते हैं, एलपीएफ क्या हो जाएगा आपका, एलपीएफ हो जाएगा समेशन आयरन फ्रॉम वन टू एन स्मॉल एम आई, यानी कि टू वो मिलेगा आपको आई माइनस वन बाई एन पॉइंट पे, इस एंड पे मिलेगा, देन प्लस वन, ठीक है, और लेंथ ऑफ द आई सब इंटरवल होगी वन बाई एन, तो ये क्या मिल गया आपको, टू बाई एन स्क्वायर, टू बाई एन स्क्वायर समेशन आयरन फ्रॉम वन टू एन आई माइनस वन, ठीक है, और देन प्लस ये वन ही मिल जाएगा लास्ट में कंप्लीट होकर, तो ये मिलेगा आपको टू बाई एन स्क्वायर, ये आपका हो गया आई रन कराएंगे जीरो प्लस वन, क्योंकि आई की वैल्यू वन रखी वन माइनस वन जीरो, फिर टू रखी टू माइनस वन वन, और ऐसे डॉट डॉट ये एन माइनस वन पर जाएगा। इस बार जो समेशन आपने निकाला वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का नहीं, एन माइनस वन नेचुरल नंबर तक का सम है ना, तो ये हो गया टू बाई एन स्क्वायर, ये प्लस वन है लास्ट में, टू बाई एन स्क्वायर और इन टू क्या हो जाएगा, एन की जगह एन माइनस वन रख दो बस, एन एन माइनस वन एन बाई टू प्लस वन, ठीक, इस टू से टू कैंसिल हो गया, जब आप करेंगे ये मिलेगा आपको एन कॉमन ले लें यहाँ से तो एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको वन माइनस वन बाई एन, ठीक है, और प्लस वन। अब जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे है ना, इसमें क्या लेंगे आप, लिमिट लेंगे, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एल पी एफ, इसका मतलब क्या है भैया, जब क्योंकि जब आप पार्टीशन को टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि एल पी एम की सुप्रीम वैल्यू आ गई ओवर द पार्टीशन की, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल पी एफ इक्वल्स टू ये टू आ जाएगा, क्योंकि जब इसमें टेंडिंग टू इन्फिनिटी कराएंगे ये वन देगा, वन प्लस वन कितना आ गया टू आ गया, और इसको आप क्या कहते हैं, लोअर इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया आपका अपर इंटीग्रल इक्वल्स टू लोअर इंटीग्रल, तो डार्बोस कंडीशन आपकी होगी सेटिस्फाइड, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी इंटीग्रेबिलिटी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, बस आपको आइए सब इंटरवल चूज करना है और अपर सम और लोअर सम निकालना है और अपर सम का इन्फिमम निकालना है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे और लोअर सम का सुप्रीम निकालना है फॉर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा।